एक और पैक है, वो है चाय वाला, चाय चीनी, कॉफी भी चल रहे थे, चावल भी चल रहे थे, तो जो कमोडिटीज़ हैं वहाँ पर बढ़िया एक मोमेंटम बना हुआ है। राजेश सर आपसे जानना चाहेंगे, आप तो खैर कलकत्ता के ही हैं और बहुत दूर आपसे नहीं है, तमाम टी स्टेट्स हैं, असम में, दार्जिलिंग में, आप ज़रा ये बताइए कि ये, चूंकि टी बोर्ड ने बोला है कि दाम उन्होंने बढ़ाए हैं 20% के आसपास के, ये टी वाले स्टॉक्स अभी क्या कड़क रहेंगे अभी कुछ दिनों तक, या क्या करें जिनको प्रॉफिट हो रहा हो, थोड़ा सोचें प्रॉफिट टेकिंग करने के बारे में। देखिए, मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ये स्टॉक कुछ दिनों तक चलते हैं, उसके बाद ठंडे पड़ जाते हैं, बहुत लंबी अवधि तक चलते ही नहीं है। वैल्यूएशन हालांकि बहुत से स्टॉक्स के बहुत अच्छे हैं, खास करके हरिसन मलयालम की अगर बात की जाए तो वहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, या BBTC में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। ये दो स्टॉक है जो स्टैंड आउट करते हैं पूरे पैक में, जहाँ की हमें लगता है कि थोड़ी सी फोकस बनाया जा सकता है। या फिर लार्ज कैप में देखना हो तो टाटा कंज्यूमर, जो कि टाटा टी उसके अंदर में है, उस वजह कर। अदरवाइज अगर आप देखो तो टाटा कंज्यूमर अब बहुत बड़ा एक फॉर्मेट हो गया है, जहाँ की बहुत सारे वर्टिकल्स हो गए। बाइंग के लिए इस वक्त हम हरिसन मलयालम या BBTC में ही सलाह दे पाएंगे, क्योंकि वो वैल्यूशन के लिहाज से भी अच्छे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी अपसाइड बनती है। दूसरे, अगर आप देखो तो जो चाय की फसल है, खास करके मौसम पे बहुत डिपेंडेंट रहती है, और इस बार जैसे कि बहुत ही इरेडिकेट मौसम आया है, मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ी सी जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, जिसके वजह से रियलाइजेशन बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ नजर बिल्कुल रखनी चाहिए। ठीक है, तो हैरिसन मलयालम यहाँ पे आप नज़र ज़रूर रख सकते हैं। जी हाँ, जितनी भी टी के काउंटर्स हैं इनमें हम जोश तो बहुत देखते हैं, और साथ ही खबरें भी आई थी कि टी के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, बट इस बीच थोड़ा सा जो है मूड और माहौल अगर थोड़ा रिवर्सल आए तो ये काउंटर्स उस तरीके से रिएक्ट भी करते हैं। बिरला का स्टॉक भी काफ़ी जोश में है, यहाँ पे 13% का उछाल जो है हम आते हुए देख रहे हैं पूरे स्पेस में, हालांकि काफ़ी रौनक है, खासतौर से पावर फाइनेंसेस, PFC, REC हम कई दिनों से आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं। आज रिडा की बारी है, इस काउंटर पे ज्यादा नजर नहीं जाती है क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। हमारे सभी एक्सपर्ट्स की ऑलमोस्ट कंसेंसस राय होती है कि इसको लीजिए और भूल जाइए। राजेश जी, मुझे उम्मीद है कि आपका भी यही नजरिया था कि लीजिए और इसको भूल जाइए, पर जिस तरीके का हम रनअप देख रहे हैं, आपके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या निकल कर आ रहे हैं इरडा पे? क्या आपने टारगेट्स रखे हैं इस पे, और साथ ही 13-14% के उछाल को आप कैसे देख रहे हैं? आश्चर्यजनक रूप की रैली चल रही है IPO के बाद से ही, हमने देखा है रेडा में। और वैल्यूएशन भी अगर आप देखें तो दूसरी जो कंजर्वेटिव पुरानी फाइनेंस कंपनी है, जैसे कि PFC या REC, उनके वैल्यूएशन देखो और इनके वैल्यूएशन देखो तो बहुत बड़ा गैप नजर आता है, चाहे वो PE के हो हिसाब से हो या प्राइस टू बुक के हिसाब से हो, डिविडेंड यील्ड के हिसाब से, सब जगह ही हमें लगता है कि रेडा का स्टॉक अब थोड़ा महंगा हो चला है। लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हमारे अभी भी 300 रुपए के हैं, लेकिन अब नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा कोई करेक्शन कंसोलिडेशन आए तो नई खरीदारी की जा सकती है। हालांकि एक नए सेगमेंट में रिन्यूएबल एनर्जी में ये लोग फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं, और जो कि रिन्यूएबल एनर्जी इस वक्त इन थिंग है, लेकिन बावजूद इसके वैल्यूएशन पैरामीटर्स में हमें लगता है कि PFC REC ज्यादा बेटर बैठते हैं नए निवेश के लिए, किसी के पास है वो बने रह सकते हैं। ठीक है, किसी के पास अगर है तो वो फिलहाल बने रह सकते हैं इरडा में। जी हाँ, नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा अब जो है आपको सतर्क हो जाना जी चाहिए। सर आपसे जानना चाहेंगे, सर आज हमारे साथ में एक IT एनालिस्ट जुड़े थे, ओंकार टंकसाले, और उनसे हमने ये पूछा कि आपकी पसंद क्या है लार्ज कैप में, तो उन्होंने कहा TCS, इन्फोसिस, SLTech, तीनों का नाम लिया। मिड कैप हमने पूछा तो उन्होंने परसिस्टेंट बताया। आप बताइए सर, आपकी रीडिंग क्या कहती है, IT कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही हैं, इस साल भी अंडर परफॉर्मर रही हैं, क्या यहाँ से आपको उम्मीद है कि अच्छे दिन आगे आने वाले हैं, अब बिल्कुल हम दरवाजे पर पहुंच चुके हैं? ये आपने सही कहा, हम बिल्कुल दरवाजे पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि देर सवेर ये तो होना ही है कि फेड की तरफ से कुछ पॉजिटिव न्यूज आएगी इंटरेस्ट रेट कट वगैरह की, क्योंकि अगर आप कमेंट्री वगैरह भी देखो जिस तरीका की आई है, या जो वीकेंड पे पेरोल के डेटे आए थे उसको भी देख के लगा था कि शायद सितंबर में
रेट कट आ जाए, लेकिन फिर कल जब फेड की कमेंट्री आई तो जो 2% का उन्होंने कट ऑफ बताया है अपनी इन्फ्लेशन का, उसे देखते हुए लगा कि थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि देर सवेर रेट कट्स आने वाले हैं। एक बार रेट कट आने चालू हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी में वहां थोड़े से चेंजेस आएंगे, और जिसकी वजह से जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है खास करके आईटी की तरफ, वहां हमें समझने लगता है कि पॉजिटिव रुझान आएंगे। दूसरे अगर आप देखो तो जितनी भी दिग्गज कंपनियां, फिर वो चाहे आईटी में टीसीएस हो या इंफोसिस हो, अपने लोअर वैल्यूएशन के आसपास चल रही है। वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, अगर कोई 1.5 साल का नजरिया लेके चलता है तो बहुत अच्छे रिटर्न बैठ सकते हैं, क्योंकि ये तो तय है ना कि 1.5 साल में रेट कट्स आएंगे और एक ऊपर का कर्व बनने लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि वैल्यूएशन के लिहाज से अच्छे हैं, डील विंस आ रही है, बस खाली ये देखना है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री आगे आने वाले दिनों में अक्रॉस ज्योग्राफीज क्या आती है, अक्रॉस वर्टिकल्स क्या आती है, और सबसे बड़ी बात है जो मेजर डील विंस है उसके बारे में क्या आता है। नंबर्स के बारे में सबका ही अनुमान है कि या तो 2% प्लस आएंगे या 2% माइनस आएंगे, कहीं कहीं पर हायरिंग की वजह से थोड़े से खर्चे बढ़े हुए हैं, लेकिन जो आपके एट्रिशन रेट थे वो कंट्रोल में आते जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर थोड़ी से मध्यम से लंबी अवधि का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो तो मेरे ख्याल से ये बहुत सही सेक्टर है। और सबसे अच्छी बात है कि इनमें आने हर साल एक बायबैक आ जाता है जो दिग्गज कंपनियां हैं, तो इन्वेस्टर को खास करके खुदरा निवेशकों को उससे बड़ा फायदा रहता है। तो अगर निवेश की सलाह दी जानी हो तो मैं समझता हूँ सबसे पहले हमारा तो पसंद में इंफोसिस ही आएगी, उसके बाद टीसीएस, और सेकेंड रैंक में परसिस्टेंट और इंटेलेक्ट डिजाइन।